भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त परवीन अष्टीकर ने भिवंडी शहर की जनता से की अपील। जिस तरह से देखा जाए हर और पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में मंडरा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में आज के दिन यानी कि 8 तारीख से जो लॉकडाउन ओपन कर दिया गया, कई ऐसे नियमों को पालन करने के मद्देनजर रखते हुए ऐसे में मनपा आयुक्त ने भिवंडी शहर की जनता से अपील की कि कोरोना वायरस से हमें अभी भी बचना है, कैसे बचना है और किस तरह से हम उसे रोक सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देते हुए अपील करते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त परवीन अष्टीकर ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। भिवंडी निजामपुर शहर के सब नागरिकों को मैं डॉक्टर प्रवीण अष्टीकर आयुक्त भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका आपको ये माहिती देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन 4 और उसके बाद का अभी आज से जो अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके वजह से शहर में बाहर के शहर से जैसा मुंबई, मालेगांव, ठाणे, यहाँ से बहुत सारे नागरिक आ रहे हैं। इसके वजह से शहर में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के जो रुग्ण हैं, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इससे बढ़ोतरी हुई है। इससे घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो भी महानगर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने कोरोना के रुग्णों के लिए बहुत सारा इंतज़ाम किया है। मैं आपको इसमें से जो जो कुछ कार्रवाई भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने की है इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हमारे तरफ से, महानगर पालिका के तरफ से टाटा मंत्रा जो सेंटर है वहाँ पे 550 बेड का कोविड केयर सेंटर, जहाँ पे हम जो रुग्ण कुछ लक्षण नहीं है इनके पास मगर कोरोना से पॉजिटिव है, ये रुग्ण रखने के लिए हमने पूरा व्यवस्था की है। वहाँ पे 150 से ज़्यादा रुग्ण अभी भी वहाँ पे है। दूसरी, हमने जो ओसवाल हॉल है वहाँ पे भी 350 बेड की व्यवस्था की है, वो भी 3-4 दिन में पूरा पेशेंट के लिए शुरू हो जाएगा। उसी तहत जैसा IGM हॉस्पिटल है, ये IGM हॉस्पिटल पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल है, वो पूरी तरह से चालू है। उसमें 2 खाजगी हॉस्पिटल हमने भी शुरू किए हैं, उसमें एक वेद हॉस्पिटल है जो कोनगांव में स्थित है, वहाँ पे 150 बेड है, वो भी हॉस्पिटल शुरू हो गया है। ऐसा ही SS हॉस्पिटल जहाँ पे 45 बेड है, वो हॉस्पिटल भी 2 दिन में, कालेर का हॉस्पिटल है, ये 2 दिन में शुरू हो जाएगा। उसी के साथ शहर में हमने 6 DCSC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शुरू किए हैं, उसमें से अटलांटिस हॉस्पिटल पूर्णा ये शुरू हो गया है, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट अभी एडमिट है। उसी तरह अल्मोइन हॉस्पिटल, वराह देवी हॉस्पिटल, मड़वी हॉस्पिटल, ये भी हॉस्पिटल नज़ीक के 1-2 दिन में पूरा रेडी होके जो कोरोना का पेशेंट वहीं पे भी हम एडमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के जो कुछ नागरिक हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसमें ये जो सब हॉस्पिटल है उसमें से IGM हॉस्पिटल की सेवा ये मुफ्त में है, मगर बाकी सब हॉस्पिटल की सेवा ये जो गवर्नमेंट से 21 मई का जो शासन निर्णय है उनके तहत जो कुछ दर है वो हिसाब से उनको आपको ये देना पड़ेगा, उनके सर्विस का भुगतान करना पड़ेगा। ये इससे है, ये IGM छोड़ के बाकी सब हॉस्पिटल की सेवा मुफ्त में नहीं है। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको अगर कुछ बुखार है, आपको कुछ सांस लेने में तकलीफ है, आपको कुछ दम लगता है, तो आप तुरंत नज़दीक के 5 फीवर क्लिनिक या फिर ये जो मैंने हॉस्पिटल बोले ये हॉस्पिटल को खुद को बताएं और खुद का कोरोना के आगे का जो संसर्ग है उसका नहीं बढ़े, इसलिए आप खुद को सुरक्षित करें। आप ये रुग्णालय की व्यवस्था का पूरा उपयोग लें और कोरोना के संसर्ग को शहर में कम से कम बढ़ने में आप सब आपको सहयोग करें। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।